सुबह सुबह का दृश्य है। जय श्री राम, जय भोले की। आज हम गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर आगे आ चुके हैं और यहाँ ज़बरदस्त एक झरना चल रहा है, जो कि बिल्कुल बर्फ ग्लेशियर पिघल कर यहाँ नीचे की ओर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये ग्लेशियर यहाँ झरने के रूप में आ रहा है। कितना भयानक दृश्य है आप देख सकते हैं। आप दोस्तों, गंगोत्री धाम का दृश्य भी दिखाया मैंने। हरसिल गांव के अंदर एक ऐसा भयानक खतरनाक झरना, जो कि माँ गंगा के नदी में जाकर मिलता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, दूध से भी गहरा सफ़ेद माँ गंगा का जल सामने आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इस टाइम बादलों के पास में है। मित्रों, आप देख सकते हैं हम इस पुल को क्रॉस करेंगे और अब इधर से गंगा माता का जो कि ये दृश्य इस तरफ से देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितनी कलकल करती हुई बहती हुई माँ गंगा शोर मचाती हुई हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करती है। हमें दिखाता हूँ ये पुल है जो कि इसके नीचे से माँ गंगा गुजर रही है। देख सकते हैं कितना भाव। तो दोस्तों, हम इस टाइम 6 से 7 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और नीचे से हम ऐसी कठिन रास्ते से गुजर कर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जो कड़ी चढ़ाई है। इसमें पांगड़ा बोल जाते हैं, पांगड़ा उधर ये मध्य जल्दी पांगड़ा बोल जाते हैं इसमें। दोस्तों, अभी तो और थोड़ी सी चढ़ाई और है और हम आपको दिखाते हैं कितना सुंदर दृश्य। आप देख सकते हैं हम गंगोत्री से 45 किलोमीटर दूरी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप देख सकते हैं पूरा वाइट हो रखा है। यहाँ इतना भयानक मौसम हो रहा है, उसकी साइज सीमा शायद नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ खुले भी है और ये गंगोत्री धाम से पहले जो चढ़ाई आती है बहुत कठिन चढ़ाई आती है, इसमें पांगड़े बोल जाते हैं इंसान के। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना शानदार सुनहरा मौसम हो रहा है। यहाँ बहुत ही 6 से 7 हज़ार फीट ऊंचाई पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ अब पूरा मौसम इस टाइम वाइट हो रखा है। आप देख सकते हैं कितना शानदार दृश्य है। ये ऐसा दृश्य आपको गंगोत्री धाम पर केदारनाथ की पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। ये हम चढ़ाई चढ़ के आए थे और यहाँ भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था, चाय पानी की दुकानें लग रही है। मित्रों, आप देख सकते हैं गंगोत्री का बहुत ही अलग सा दृश्य। यहाँ ऐसे पहाड़ जो रोड के ऊपर नजर आते हैं, देख सकते हैं ये कभी भी इस रोड के ऊपर आ सकता है, ये बिल्कुल रोड के ऊपर लटक रहा है। ऐसे रोड पर आते हैं जब बहुत दर्दनाक हादसे होते हैं। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक नज़ारा है, देख सकते हो आप। मित्रों, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक गंगा मैया का वेग चल रहा है, शोर करती हुई आगे हरिद्वार की ओर बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये गंगोत्री की हिमालयों से निकलकर माँ गंगा हरिद्वार तक पहुँचती है। कितना सुंदर दृश्य आपको
यहाँ उत्तराखंड की वादियों का देखने को मिल रहा है। आप आवाज़ सुन सकते हो, माँ गंगा शोर मचाती हुई आगे की ओर बढ़ती है। ये आप देख सकते हैं कितना मोटा पहाड़ है जो कि पूरा रोड के ऊपर आ रहा है। ऐसे पहाड़ बारिश के अंदर जल्दी ही रोड के ऊपर आ जाते हैं और दर्दनाक हादसा हो जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे खतरनाक रास्तों से हम गुजर रहे हैं दोस्तों। ये रोड है और ये रोड के ऊपर से देख सकते हैं आप, पूरा रोड के ऊपर झुक रहा है। देख सकते हो दोस्तों कितना रोड के ऊपर आ रहा है ये पहाड़। मित्रों एक पहाड़ी है ना जो पूरा रोड के ऊपर से गुजर रहा है, ये उनसे भी बेहतरीन पहाड़ है। आप देख सकते हैं ये रोड है और ये रोड के ऊपर, पूरा रोड के ऊपर आ रहा है। ये देख सकते हो पूरा रोड के ऊपर आ रहा है। मित्रों गंगोत्री से हम आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं, हरिद्वार की तरफ आते हैं, तो ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिर मिलते हैं, शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, पर आज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ इतना शानदार जल देखने को मिल रहा है, शायद नहीं देखा होगा, कितना कलरफुल जल है जो कि हरा कलर का जल दिख रहा है। कितना शानदार जड़ी बूटियों से निकल कर ये जल यहाँ एकत्रित होता है, कितना शानदार दृश्य है। तो दोस्तों हम आपको उत्तराखंड की वादियों में ऐसे ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं, शायद आपने नहीं देखा होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सामने की ओर जो कि बहुत लंबी एक गुफा है। कोई समय अंग्रेज़ों के समय पर यहाँ एक बड़ा टनल बनाने का प्रयास किया गया था, पर यहाँ कुछ समय के बावजूद यहाँ ये सक्सेस नहीं हुआ। आज भी इस टनल का काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले के समय से ये टनल बनाने की सोचे थे उनमें से आज कारीगर मजदूर और जो जितनी मशीनें थी वो आज तक बाहर नहीं आई, इसीलिए आज तक यहाँ इसमें अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं ये वो दिखा रहा हूँ जो आपने नहीं देखा होगा, ऐसे ऐसे दृश्य आपने नहीं देखा होगा। मित्रों आप देख सकते हैं ये कई सबसे पुराना पुल दिखा रहा हूँ उत्तराखंड में, जो कि अंग्रेज़ों के समय से बनाया हुआ है। आज भी इस पुल में यहाँ ये साक्षात देखने को मिलता है। देख सकते हैं लकड़ी का पूरा पुल है ये, जो कि गंगा नदी को पार करने के लिए बनाया गया था, बहुत समय पहले बनाया गया था ये। उत्तराखंड में ऐसी ऐसी प्राचीन जगह देखने को मिलती है। एक टनल ले रहा, ये टनल इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए नीचे से वाहन चालक जाने वाहनों के लिए बनाया गया था, पर कुछ प्राचीन जगह ऐसी होती है, प्राचीन जगह ऐसी होती है जो सक्सेस नहीं होती है, तो आज भी ये सक्सेस नहीं हुआ, जिसमें जो मजदूर ये मशीनें वगैरह जितना भी इसमें बनाने के लिए गए थे वो आज भी वापस नहीं आए, इसीलिए इनको लॉक कर दिया गया। आप देख सकते हैं पहाड़ देख सकते हैं दोस्तों नीचे आ गया है यहाँ ऊपर से। आप देख सकते हैं कितना यहाँ शोर मचाती हुई माँ गंगा नीचे की ओर प्रस्थान हो रही है, जहाँ आवाज आ रही है तूफान जैसे। माँ गंगा मैया कैसे कल कल बहती हुई अपने हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर रही है, देख सकते हैं। नहीं ले ले दो। मित्रों जैसे कि हम चलते चलते गंगोत्री से 55 किलोमीटर दूरी पर आते हैं, यहाँ एक गंगनानी के नाम से बहुत ही प्राचीन जो मंदिर है, जो पाराशर ऋषि मुनि ने यहाँ तपस्या करके और पाराशरी गंगा को यहाँ पृथ्वी पर लाया था। ये बहुत ही गर्म जल है जो कि यहाँ गंगनानी में निकलता है, ये जो यात्रा करते हैं यहाँ स्नान करता है उसकी थकान पूरी होती है, और बिल्कुल ज़्यादा बहुत गर्म जल यहाँ से पहाड़ों से निकल कर आता है। ये देख सकते हो कितना खतरनाक झरना चल रहा है यहाँ पे, वाह।